नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल VVMR। तो दोस्तों, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं। अभी गो टू मीटिंग के जरिए सुबह के 8 बजे हमारे साथ कुछ बच्चे इंडिया से, कुछ आउट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेने जा रहे हैं। इस गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर से इनको लाइव मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है, तो आप भी चाहो तो इसी तरीके से हमारा क्लासेस आप ले सकते हैं, लाइव क्लासेस आप ले सकते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इनके साथ। तो पंकज जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, और टॉपिक है कि किस तरीके से हम बनाएंगे VVA फंक्शन एक्सेल की। गुड मॉर्निंग। VVA की फंक्शंस आज हम आपके सामने बनाएंगे किस तरीके से, वो चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सेल फंक्शन की जरूरत क्या, माने एक्सेल में जो ऑलरेडी आपके पास फंक्शन है, से VLOOKUP, HLOOKUP, ऐसे फंक्शन तो ऑलरेडी आपके पास है, फिर भी आप VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग के मदद से आप अपने लिए फंक्शंस बना सकते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि लेंथी फंक्शन होते हैं, तो उस केस में हमें जरूरत पड़ती है कि हम खुद के फंक्शन डिफाइन करें। ठीक है, चलिए हम आप वही उसी चीज को हम बताने जा रहे हैं आपके साथ, डेवलपर में आते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए फंक्शन बनाना है, तो मान लीजिए कि हमें, हमारे पास छोटे, अगर बेसिक से स्टार्ट करें तो हमें 85 प्लस 65 प्लस करने के लिए सम का वो है, फॉर्मूला है कि हम इसको आपस में सम कर सकते हैं। प्रोडक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के, हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला है? नहीं, सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला नहीं। तो चलिए हम चाहते हैं कि एक्सेल के VVA के जरिए सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला बनाए, सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला हम बनाए। ठीक है,
सर दो ओके तो हम बता रहे थे आपको कि इसको सब्ट्रैक्ट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला आपके साथ बनाते हैं। तो विजुअल बेसिक में जब भी आप फॉर्मूला बनाएंगे, आप बनाएंगे मॉड्यूल्स में। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जब भी फॉर्मूला बनाएं तो मॉड्यूल्स के अंदर बनाए। मॉड्यूल्स इसमें सब सब नहीं माफ कीजिए सब तो सब ए होता है, आपका सब्जेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन, ठीक है, क्या करेंगे फंक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे एस यू एफ टी आर। फॉर्मूला नेम जैसे माइक्रो नेम में कंसेप्ट थे, ऐसे आप फॉर्मूला नेम के कंसेप्ट कर सकते हैं। और ब्रैकेट के अंदर में इनपुट, इनपुट में नंबर टू कॉमा नंबर वन एज ए वेरिएंट। वेरिएंट क्यों डाला हमने, क्योंकि तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हमने वेरिएंट डाला, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन, आप फॉर्मूला को डिक्लेयर करो। अब यहां पे हमने n2 और n1 क्या हुआ, बेसिकली जब मैं यहां पे सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा एस यू बी, देखिए एस यू टी आर आ गया सब्ट्रैक्ट, तो इसमें इनपुट क्या देंगे, तो नंबर वन माइनस नंबर टू, मतलब कि आप किस में से डिसाइड करना चाहते हो, दूसरा नंबर माइनस पहला, सॉरी माइनस नहीं कॉमा पहला, दूसरा नंबर कॉमा पहला। तो हमने जो सी थ्री और डी थ्री सिलेक्ट किया, राइट, तो सी थ्री की जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई एन टू के ऊपर, एंड बी थ्री की जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई एन वन के ऊपर। अब हम यहां पे रिजल्ट यहां करेंगे, यहां लिखते हैं डिम आर एज ए वेरिएंट, ऑल्सो वेरिएंट, एंड आर इक्वल टू हम करेंगे यहां पे एन वन एन टू माइनस एन वन, और फिर रिजल्ट को हम फंक्शन नेम पे असाइन कर रहे हैं इक्वल आर। ठीक है, सी थ्री कॉमा बी थ्री रिजल्ट आ, रिजल्ट आपके सामने माइनस 20। अब फॉर्मूला को देखिए क्या है, सबसे पहले डिक्लेरेशन कि आप फॉर्मूला का नाम और फॉर्मूला के इनपुट्स डिफाइन करें कि जो हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं जब उसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या क्या इनपुट देंगे, फिर उस इनपुट के इनपुट जितने इनपुट होंगे जितने तरह के इनपुट होंगे उतने तरह के वेरिएबल्स यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा सीन कास्टिंग का, और उसके बाद आप अपनी जो भी कैलकुलेशंस है उस कैलकुलेशंस को करो, और फिर जो रिजल्ट फाइनली रिजल्ट है वो फॉर्मूला के ऊपर असाइन करो। पंकज जी, सचिन जी, शनवार जी, फॉर्मूला कंसेप्ट समझ में आया, ओके okay. अब चलिए कुछ और नया फॉर्मूला बनाते हैं। अब मान लीजिए मुझे अमाउंट का फॉर्मूला बनाना है, मुझे बनाना है अमाउंट का फॉर्मूला जिसमें P हमारा 50,000 है, R हमारा 10% है, और टाइम हम बोलिए क्या समझ में नहीं आया इसे बताइए, अब बोलिए सचिन जी क्या दिक्कत है, हाँ सचिन जी बोलिए सुन रहा हूं क्या दिक्कत है, हाँ और भी ले सकते हैं तो उसकी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने यहां लिखा कि 6563 and 85, अब इसको आपस में आपको मल्टीप्लाई माइनस करना है, राइट, तो फिर आपको फॉर्मूले के अंदर में जो फॉर्मूला आपने डिफाइन किया है इन फॉर्मूले के अंदर में एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा कि n3 आउट सीक्वेंस n1 n2, यहां पे n2 कर दीजिए n2, ठीक है कॉमा।
अब एक बार में अब यहां पे एन टू माइनस सॉरी एन थ्री यहां कर दीजिए एन थ्री माइनस अब यहां अप्लाई कर दीजिए आप इक्वल बोलिए क्या बोल रहे हाँ तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे ना हम तो अभी आपको फॉर्मूले का कंसेप्ट समझा रहे हैं अब उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे ना फिर यहाँ पे वेरिएंट की जगह पे रेंज होगा रेंज के बाद यहाँ पे लूप वगैरह लगेगा कि हर एक नंबर को डिवाइड में माइनस करें तो होगा वो आगे बताऊंगा मैं आपको अभी बेसिक कंसेप्ट में इतनी लेंदी चीजें नहीं गुजर सकता ना सर क्या सचिन जी सही रहेगा अब इसमें अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े सचिन जी अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े सचिन जी सचिन जी की वॉइस सचिन जी अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े ओके अब नेक्स्ट जो आता है हाँ नेक्स्ट जो मुझे आता है अमाउंट को कैलकुलेट करना वो भी मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सेल में तो अमाउंट के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला है पीएमपी का पीएफबी का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लेकिन मैं मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनना चाहता हूं जो कि है आपका कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय एन पंकज जी म्यूट कीजिए शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से तो ये फॉर्मूला है अब मुझे इसके बिहाफ पे करना है अमाउंट का तो चलिए इसके लिए हम वीवीए इस्तेमाल करते हैं अब यहां पे लिखेंगे फंक्शन फॉर्मूला नहीं तो हमने दे दिया यहां पे अमाउंट ब्रैकेट में इनपुट्स तो हमारे पास इनपुट कितने हैं इनपुट है पी एक सेकंड कीजिएगा अनुवेद जी बोलिए ठीक है मैं देखो बताता हूँ अब इसमें आता है यहाँ पे कि यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला तीन है ना पी परसेंट रेट एंड टाइम तो यहां पे हम करेंगे p एज ए लॉन्ग वैल्यू एंड r एज ए डबल क्योंकि देश इसमें होगा क्या बोलते परसेंटेज में होगा और परसेंटेज जो है आपका डेसिमल्स होते हैं और t टाइम एज ए इंटीजर राइट अब मैं यहां पे रिजल्ट निकालता हूं तो डिम रिजल्ट्स के लिए वेरिएबल ले लिया आर एज ए हमने कर दिया डबल क्योंकि डेसिमल्स भी आ सकते हैं इसलिए हम डबल ले लिए और फिर यहां पे करते हैं आर इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस R डिवाइड बाय 12 पावर ऑफ P मल्टीप्लाई बाय 12 n 12 है और फिर इन दोनों को हम ब्रैकेट में लेते हैं और इसको यहां पर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया देन असाइन द फॉर्मूला रिजल्ट्स के लिए बार असाइन करना है तो जो फॉर्मूला का नेम है उसी पे आप असाइन कर दीजिए राइट अब यहां पे हम करते हैं अमाउंट देखिए अमाउंट का फॉर्मूला आ गया
पी को सिलेक्ट किया, रेट को सिलेक्ट किया एंड हमने टाइम को सिलेक्ट किया एंड कैलकुलेशन डुप्लीकेट डिक्लेरेशन और सब माफ कीजिएगा आर ऑलरेडी डुप्लीकेट आर ई कर देते हैं यहाँ पे आर ई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते इसलिए एरर दिया आगे हाँ माफ कीजिएगा आर ई यहाँ भी आर ई करना पड़ेगा ना इसलिए ऐसी दिक्कत आई आपके रिजल्ट आपके सामने। तो समझिए क्या किया हमने फॉर्मूला को पहले डिक्लेयर किया कि भाई इनपुट कितने होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इनपुट जैसे वी लुकअप भी लगाते हो तो वी लुकअप में इनपुट है ना लुकअप वैल्यू टेबल एरिया कॉलम इंडेक्स रेंज तो जब वी लुकअप जैसा फॉर्मूला बनाओगे तो आपको भी ये सब डिफाइन करना पड़ेगा फॉर्मूले के अंदर। तो सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि पी एज ए लॉन्ग आर एज ए डबल टी एज ए इंटीजर फिर एक वेरिएबल दिया कैलकुलेशन के लिए फिर हमने अपने फॉर्मूले को कैलकुलेट किया जो भी कैलकुलेशन मेथड है एंड उसको हम वापस असाइन कर ठीक है। अब जैसे कि एक और फॉर्मूला बताते हैं ग्रोथ का फॉर्मूला कि क्वार्टर वन यहाँ है एंड क्वार्टर टू यहाँ राइट और यहाँ पे हमने 85 मुझे यहाँ पे ग्रोथ चाहिए। अब ग्रोथ के लिए एक्सेल के अंदर भी फॉर्मूला नहीं है लेकिन मैथमेटिकल कंसेप्ट पता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट यू कैन क्रिएट एन फंक्शन की फंक्शन ए एम अमाउंट और यहाँ हो जाएगा कि पी एज ए नहीं माफ कीजिएगा क्वार्टर वन क्वार्टर टू है ना तो क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू एज ए वेरिएंट वेरिएंट और उसके बाद मैं यहां लिखता हूं कि डिम आर एज ए इनवेरिएंट होगा तो अगर इनपुट वेरिएंट है तो आउटपुट वेरिएंट होना चाहिए ना नहीं डबल क्योंकि परसेंटेज आएगा ना यहाँ पे तो यहाँ पे डबल होना चाहिए राइट डबल और फिर यहाँ पे हम देते हैं कि आर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन एंड फिर वापस ए माफ कीजिए अमाउंट नहीं होगा ग्रोथ होगा ना जी आर और फिर यहाँ पे हम जी आर की वैल्यू वापस कर देते हैं तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। अगर मैं यहाँ पे जी आर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू बट प्रॉब्लम इन डेसिमल्स में आया मैं चाहते हैं परसेंटेज में आया तो परसेंटेज में लाने के लिए मुझे यहाँ पे कितना कि आर इक्वल टू फॉर्मेट एंड फॉर्मेट के अंदर में आर कॉमा 0.00% लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें गड़बड़ होगा थोड़ा सा गड़बड़ आएगा क्यों आया गड़बड़ इसलिए आया कि हम फॉर्मेट का फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर सकते क्यों क्योंकि फॉर्मेट के फॉर्मूला सिमिलर है किससे टेक्स्ट फॉर्मूला से एक्सेल में जो आपने टेक्स्ट का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें टेक्स्ट फॉर्मूले में हमने फॉर्मेटिंग चेंज करने का ऑप्शन था उससे सिमिलर है। तो आर क्या है आर इज डबल तो डबल इज नंबर फॉर्मेट तो फॉर्मेट रिटर्न करता है टेक्स्ट फॉर्मेट तो यहां पे दिक्कत आ जाए इसलिए हम डायरेक्ट यहां लगा दिए तो अब यहां भी आएगा द परसेंट समझे। अब जैसे कि अमाउंट वाली फॉर्मूला है इसी को लीजिए मुझे इसको राउंड फिगर में करना तो आप यहां पे खाया तो आर ई को डबल करके जगह लॉन्ग कर दीजिए अगर इसको लॉन्ग नहीं कर सकते किसी कारणवश में तो जो अमाउंट है ये भी एक तरह का वेरिएबल होता है इसकी वेरिएबल यहां पे डिफाइन कर दीजिए एज ए लॉन्ग
अब जब ये कैलकुलेट होगा तो ये राउंड हो जाए। तो आप फॉर्मूला का आउटपुट यहां डिफाइन कर सकते हैं कि आउटपुट जो होगा और किस डेटा टाइप में होगा, लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल टेक्स्ट किस में होगा, या फिर आप अपने फॉर्मेटिंग में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट कमांड लगा के नंबर फॉर्मेटिंग वाली जो मेथड है उस मेथड को अप्लाई। तो सचिन जी, सहनवाज जी एंड पंकज सिंह जी, हैव एनी डाउट? तो नाउ आप लोग क्या करें कि मैंने आपको थ्री एग्जांपल्स बताए, मुझे आप इसके करीब 10 एग्जाम्पल जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बिलोंग करती है मुझे दीजिए। तो दोस्तों, देखा किस तरीके से मैंने अभी ऑनलाइन वीवी क्लास ली। अब मैं पर बता दूं कि हमारी प्रमोशनल वीडियो है सर, इस कंप्लीट वीडियो नहीं है। अगर आप चाहो कि इससे आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाओ तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास लेते हैं तो हम आपको जरूर कहते हैं कि हम आपको एक्सेल एक्सपर्ट बना देंगे। तो फटाफट मेरी वेबसाइट को लॉगिन कीजिए iptindia.com और आप जो है वहां पर डेमो क्लासेस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, डेमो क्लास लीजिए, फिर आगे हम बाकी चीजों पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।